क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर राम सिंह यादव। अच्छा ये बताइए सर, यहाँ पे आपको क्या मकसद से यहाँ आयोजन किया गया था? ये रवि जी मुझे पहले मिले जी सर, उन्होंने अपनी एक थीम बताया मुझे, उनकी थीम मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा कि आप यदि ये खोलना चाहते हैं, और पहली बात सबसे अच्छी थीम इनकी है कि निःशुल्क इसको चलाएंगे, समाज के दबे कुचले पिछले वर्ग के बच्चों को जोड़ने की इनको इच्छा है, और सबसे बड़ी बात उनको शिक्षित कर रहे हैं। आज के समय में जो आदमी शिक्षा दे वो सबसे महान आदमी, उससे अच्छा कोई आदमी है जी। अच्छा ये बताइए सर, विरोधियों का कहना है कि समाजवादी का चाल है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि सोच सबकी अपनी अपनी है, सोच को किसी को बदलने के लिए थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सोच अलग अलग होती है। मेरी जो सोच है, मुझे कोई एक बैनर चाहिए, मुझे एक स्थान चाहिए। अभी कोई कह दे कि आपने अपने घर में खोला, अपनी निजी संपत्ति बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको कोई जगह मिलनी चाहिए, तो कोई हमको बैनर मिलेगा, इससे कुछ मुझे सहयोग मिलेगा, ये कैसे चलेगा, बिना सहयोग का चलेगा? अच्छा सर, तीन सवाल आपसे हम पूछेंगे, उसमें एक आपको लाइक करना है। सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन था? अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, मायावती जी, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ। मान्य अखिलेश क्या अच्छाई है इसमें? अच्छाई सबसे पहले अच्छाई तो है कि पढ़ा लिखा हमारा मुख्यमंत्री है, जो वाकई में इंटेलिजेंट होना चाहिए वो है उस आदमी में, और पढ़ा लिखा आदमी ही सब तरफ सोचता है। कम पढ़ा लिखा रहेगा तो उसकी सोच सीमित रहेगी, अधिक पढ़े लिखे की सोच अधिक रहेगी। उसका एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ, आगरा एक्सप्रेस वे जहाँ फाइटर प्लेन उतारा जा सकता है, ऐसा किसी देश में नहीं बना हुआ है कोई एक्सप्रेस वे, इसलिए वो पढ़े लिखे आदमी की सोच थी, इसलिए ऐसा है। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता कहें, वो भी हमारे मुख्यमंत्री भी फाइटर प्लेन उतार सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की युवा नेता? हाँ, एक है हमारे मित्र हैं संजय माली जी, वो कहते हैं कि हमारा भी मुख्यमंत्री फाइटर प्लेन उतार सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उतारेंगे तो कोई स्थान निश्चित है, होगा ना? कोई स्थान तो निश्चित है नहीं, कहाँ उतारेंगे स्थान? या तो फिर माननीय अखिलेश जी द्वारा बनवाए गए एक्सप्रेस वे उतार सकते हैं, वो तो सबके लिए मान्य है, कोई विशेष रूप से उनका निजी है नहीं, वो तो देश और प्रदेश की संपत्ति है। अच्छा सर ये बताइए, प्रशासन किस नजरिए से कार्य कर रहा है? देखिए, प्रशासन बदले की भावना से जो कार्य कर रहा है, अब कुछ तो कहीं न कहीं निगेटिव पॉइंट मिलती है, फिर भी बदले की भावना से जो कार्य हो रहे हैं, हमें आपको उस बदले की भावना का विरोध करना है। कहीं भी हम कहते हैं प्रशासन ने कोई आपका गलत काम कर रहा है, आप उसका विरोध करें, विरोध आपका दबा दिया जाएगा, लेकिन आज नहीं कल नहीं परसों आपका विरोध एक दिन निश्चित है कि सुना जाएगा। सर मैं कई थानों में और कई चौकियों में जाता हूँ, देखता हूँ ज्यादातर बड़े अधिकारी ठाकुर हैं, ऐसा क्यों? अब ऐसा है ना कि ये सत्ता की पकड़ की बात होती है, हमेशा सत्ता में ऐसा ही होता रहा है, कुछ लोग उसको हाईलाइट कर देते हैं, कुछ लोग हाईलाइट नहीं कर पाते हैं, बस अंतर यह होता है। क्या नाम है? ये सत्ता के ही पद होते हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर राम सिंह यादव जी। कहाँ के निवासी सर आपका? नदिया पारी के निवासी। चलिए सर, आपसे बातें करके बड़ा अच्छा लगा, धन्यवाद सर।